अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एमन हसन एंड यू आर वाचिंग डेली प्राइस आइडिया यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की स्टूडियो हमने पीसी रेडी किया है मोहम्मद इमरान भाई के लिए, और इनका जो ताल्लुक है वो सियालकोट से है। उन्होंने यहाँ से डिलीवरी मंगवाई है हमसे, ये पीसी की पूरा पीसी आपके सामने रेडी पड़ा है। आपको बताते हैं इस पीसी के अंदर क्या क्या हमने स्पेक्स यूज़ किए हैं, इसके अंदर कितनी हार्ड, कितनी रैम, कौन सा प्रोसेसर, कौन सा ग्राफिक कार्ड, कौन सा मदरबोर्ड हमने यूज़ किया है, कौन सा केस हमने इसके अंदर यूज़ किया है, और अगर आप भी इस तरह का पीसी लेना चाहते हैं तो आपको कितने तक का मिल सकता है। भाई ने इसके ऊपर एडिटिंग करनी है, रेंडरिंग करनी है और थोड़ी बहुत गेमिंग भी करनी है। बेसिक भाई का 3D एडिटिंग का काम है, 3D एडिटिंग रेंडरिंग करते हैं ये, तो इस पर्पस के लिए उन्होंने हमसे ये पीसी बनवाया। अच्छा खासा इनका बजट था और उस बजट में हमने इनको एक बेहतरीन पीसी रेडी करके दी है। आपको बताते हैं कि ये कितने पैसों में तैयार हुआ है और इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है। वन बाय वन कंपोनेंट्स की प्राइस भी आपको बताते हैं और स्पेक्स भी साथ में बता देते हैं, और आपको बताते हैं कि गेमिंग में आपको ये कितने FPS दे सकता है। इसके अलावा अगर आपने गेमिंग करनी है तो गेमिंग के अंदर और बाकी जो आपने टास्किंग, मल्टीपल टास्किंग करनी है उसके लिए आपको ये पीसी कैसा रहेगा। इसके अंदर जो मदरबोर्ड यूज़ किया वो भी बड़ा बेहतरीन है, प्रोसेसर भी आप कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा है इसके अंदर हमने यूज़ किया। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर हमने जो प्रोसेसर यूज़ किया वो हमारे पास है Ryzen 5 3600, जो कि आपको पता है कि 6 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर है और इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। बहुत से कस्टमर हमसे जो जिनका बजट नॉर्मल होता है तो नॉर्मल बजट में वो इंटेल को प्रेफर नहीं करते, वो Ryzen 5 3600 या फिर 5600 को प्रेफर करते हैं। तो हमारे पास ये, मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि चिप्स भी काफ़ी अवेलेबल है, ये चेक करें, ये 3600 की पड़ी हैं ये हमारे पास जो चिप्स हैं, चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है। तो इसकी क्वांटिटी अवेलेबल है, इसके अलावा मदरबोर्ड्स की क्वांटिटी अवेलेबल है। इंशाल्लाह जैसे ही मैं फ्री होता हूँ ये तो आपको टूर भी कराता हूँ जो हमारे पास स्टॉक में चीज़ें पड़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ी हैं। बस वीडियो ना बनाने का यही होता है कि चले जो भी आपको इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट मिले, लेकिन वो एक्स्ट्रा से एक वीडियो आपको बना के दिखा देंगे। तो मोहम्मद इमरान भाई के लिए हमने जो प्रोसेसर लगाया वो 3600 है। साथ ही मैं आपको प्राइस बता दूं कि इसके हमने जो प्राइस इसके अंदर कोड किया है वो 25,000 है। अभी 26 से 27 का आपको मिलेगा, लेकिन 25,000 की हमने इसके अंदर प्राइस कोड की है भाई को। और इसके अलावा हमने इसके अंदर जो मदरबोर्ड यूज़ किया है वो है X570 मदरबोर्ड। इसके अंदर हमारे पास एजरोक में भी पड़ा है और असूस में भी पड़ा है, और ये वो मदरबोर्ड है जो कि बहुत रेयर हो सकते हैं और आपको मार्केट में बहुत कम देखने को मिलते हैं, और अगर आपको देखने को मिल भी जाए तो आपको इनकी प्राइजेज अच्छी खासी कोट की जाती हैं। लेकिन हमने इसके अंदर जो यूज़ किया है मदरबोर्ड वो X570, आप एजरोक ले लें, असूस ले लें, 4 रैम स्लोट में है, Gen 4 सपोर्टेड है। इसके अलावा आप इसके अंदर M.2 का ऑप्शन भी लगा सकते हैं, 4 रैम 32 GB, इवन के 64 GB की 1 RAM भी आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, HDMI DVI DP, और ये सारी पोर्ट्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। इसके अलावा RGB और ARGB हेडर भी इसके अंदर अवेलेबल है, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। और आपका ये प्रोसेसर जो है मेन बात, वो जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर जितने भी अभी तक के आ रहे हैं वो सारे सपोर्ट करेगा, ये राइजन के ओवरक्लॉक एडिशन है, उसकी एडिशन जिसे कहा जाता है। तो ये मदरबोर्ड हमने इसके अंदर यूज़ किया X570। इसकी मार्केट प्राइस तकरीबन 40 से 42,000 चल रही है, आप चाहे तो पता कर सकते हैं, लेकिन हमने इसके अंदर 38,000 का ऐड किया है। X570 38K का हमने इसके अंदर ऐड किया है। इसके अलावा SSD नॉर्मल रखी है 128 GB SSD 3000 की। और हार्ड ड्राइव की बात करें तो हमने इसके अंदर जो HDD यूज़ की है वो 1 TB की हार्ड ड्राइव यूज़ की है, जो कि आपको पता है कि बिल्कुल 100% हेल्थ के साथ होती है, और इसकी आपको 7 डेज़ की वारंटी दी जाती है कि 7 डेज़ में अगर इसकी हेल्थ 1% भी कम होती है तो आपको चीज़ रिप्लेस करके दी जाएगी। इसकी 7 डेज़ की वारंटी आपको हमारी तरफ से मिलेगी। ये हमने 5,000 रुपये की ऐड किया है। और रैम इसके अंदर हमने जो ऐड किया है वो हमने कोर्सियर की रैम ऐड की है, 16 GB की रैम है, जो कि DDR4 है, 3200 MHz वाली है, 12,500 रुपये की हमने इसके अंदर रैम यूज़ की है। ये वाली बॉक्स के साथ इसके अंदर हमने ऐड करनी है अभी रैम इसके अंदर, तो ये बॉक्स इंशाल्लाह ताला लगा के भाई को ये डिस्पैच कर दिया जाएगा। इसके अंदर हमारे पास 8 8 GB की स्टिक्स भी अवेलेबल हैं, 16 16 GB वाली भी अवेलेबल है, तो आपको जो भी चाहिए मिल जाएगी। जो 8 GB वाली है वो आपको मिलेगी 6,500 रुपये की, और जो 16 GB वाली है वो आपको 12,500 की मिलेगी। ओरिजिनल कोर्सेयर की है, बिल्कुल 10x10 कंडीशन और 1 साल की वारंटी के साथ सील्ड रैम आपको ये देखने को मिल जाएगी, ब्लैक कलर में है और हीटसिंक के साथ है। इसके अलावा हमने इसके अंदर जो कूलर यूज़ किया वो आपको नज़र आ रहा होगा, स्टोव कूलर हमने इसके अंदर ऐड किया AMD का, ये हमने इसके अंदर ऐड किया है 1500 रुपये का, लेकिन इसकी मार्केट प्राइस आप चाहे चेक कर लें तो आपको ये 2000 का देखने को मिलेगा। इसके अलावा चलते हैं केस की तरफ। केस भाई को अच्छा चाहिए था ताकि खूबसूरत भी लगे, इतना उनका बजट था, तो उन्होंने कहा केस भी जो है वो भी नाइस लुक देना, यानी कि देता हुआ हमें। तो इसके अंदर हमने 4 फैन यूज़ किए हैं, 3 फ्रंट पे हैं, 1 बैक पे है, RGB फैन है, ये थंडर की फ़ैन है, और थंडर का ये केस आपको देखने को मिल जाएगा। साइड टेम्पर्ड है और फ्रंट भी इसके आप चेक कर सकते हैं, 3 फैन यहाँ लगेंगे आगे मैश है, और 1 फैन हमने बैक के ऊपर लगाया हुआ है इसकी। मजीद आप इसके ऊपर 2 से 3 फैन आप इसके फ्रंट पे भी लगा सकते हैं। USB 2.0, USB 3.0 सारे ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल हैं। इसकी मार्केट प्राइस भी जो चल रही है उस हिसाब से हमने
चार फैन लगा के 15,000 रुपये का दिया है। अगर आप फैन नहीं लगवाना चाहते तो उसके पैसे भी माइनस हो जाएंगे, लेकिन अगर आप फैन लगवाना चाहते हैं तो पूरा पैकेज आपको 15,000 रुपये में मिलेगा। न्यू बॉक्स पैकेज आपको केस देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ आपको बॉक्स भी साथ में डिस्पैच किया जाएगा। लास्ट में हमारे पास रह गया है इसका ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड हमने इसके अंदर यूज़ किया है RX 6600, जो कि 8 GB या DDR6 और 256 बिट का ग्राफिक कार्ड है। ये जो भी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा रेयर है, इस तरह का मदरबोर्ड हो गया, इसके अलावा जो ये ग्राफिक कार्ड हो गया, तो ये चीज़ें आपको मार्केट में फिलहाल के लिए कम ही देखने को मिलेंगे, लेकिन हमारे पास इसकी क्वांटिटी अवेलेबल है। ये ग्राफिक कार्ड ले लें या कोई भी ग्राफिक कार्ड आप ले लें, तो इनकी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये हमने इसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है, ये हमने ऐड किया है इसके अंदर 57,000 का, जो कि 8 GB DDR6 256 बिट का ग्राफिक कार्ड है। 1660 सुपर से RTX 2060 से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको इस कार्ड की मिलेगी, और ये बड़ा बेहतरीन कार्ड हमने इसके अंदर ऐड किया है। तो इस तरह इस पूरी बिल्ड का जो बजट हमने इसके अंदर ऐड किया है वो मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि कितना बजट है। तो ये 170 में ये बजट बन रहा था, लेकिन हमने 167 में भाई को ये पूरा पीसी रेडी करके दिया है, 3,000 का मजीद डिस्काउंट दिया है। तो अगर आपको कोई इस तरह का पीसी चाहिए, इस तरह के इमरान भाई ने हमसे रेडी करवाया, तो आप भी पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी मंगवा सकते हैं। 1,67,000 का ये पीसी जो होगा सियालकोट के लिए रवाना होगा, इमरान भाई के लिए, जिसके अंदर अगर इन्होंने गेमिंग करनी है तो इनको ये फुल HD सेटिंग पे 100+ फ्रेम देगा। मेन्स के जो हाई सेटिंग वाली गेम, जिसका वलाला हो गया, इसके अलावा डेज गॉन हो गया, इस तरह की अगर आप गेम इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं तो आपको 100+ फ्रेम फुल HD सेटिंग पे देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसके अंदर GTA 5 या पबजी वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो उसके आपको फुल HD सेटिंग पे ये 110+ या 120+ फ्रेम आपको ये देगा। इसके अलावा अगर आपने एडिटिंग रेडिंग करनी है, उसके लिए भी आपको ये अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास वेंडर भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, फायर में अवेलेबल है, XFX में ये फिलहाल लगा के दिया। इसके अलावा हमारे पास ये असूस के अंदर भी अवेलेबल है ग्राफिक कार्ड। तो जो भी चीज़ आपको चाहिए, जिस तरह भी चाहिए, आपको मिल जाएगी। रब्ता लाजमी करें, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है भाई का, तकरीबन ये कह सकते हैं कि 100K COD और बाकी पेमेंट की आ चुकी है। तो अगर आप भी कोई इस तरह का PC हमसे बाय करना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी अवेलेबल है, और अगर आप फैसलाबाद से हैं तो शॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख के आ सकते हैं, रब्ता करके आ सकते हैं। और कोई भी चीज़ आपको चाहिए हो, रैम चाहिए हो, ग्राफिक कार्ड चाहिए हो, पूरा PC चाहिए हो, किसी भी किस्म की कोई भी रिलेटेड गेमिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगी। तो ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए और रेट्स के आइडियाज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।